नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपका ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो दे चुका है, ठीक ना। तो दोस्तों, ग्रुप डी का जो रिजल्ट दिया है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ। दोस्तों, आखिर वो क्या रीजन है, क्या वजह है जो रिजल्ट नहीं हो रहा है? आप प्रत्येक एग्जाम दे रहे हैं, ना जाने कितने एग्जाम दिए होंगे, हो सकता है पिछला एएलपी भी दिए होंगे, ग्रुप डी भी दिए हैं, अभी आने वाले एसएससी जीडी भी देंगे, या फिर किसी स्टेट लेवल का जो वैकेंसी होता है, जैसे कि हमारा बिहार का बिहार एसआई होता है, एसआई होता है, इस तरह से एसएससी का जो आपका आता है, इसका एसएससी सीजे आपका एलडीसी सब ये सब भी दिए होंगे। दोस्तों, क्या वजह है कि आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, और वो क्या वजह है जो एक ही कैंडिडेट का हर एक चीज में रिजल्ट हो रहा है? अभी आप देखे होंगे कि अगर आपका ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, अगर ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हुआ, जाहिर है कि आपका एनटीपीसी में भी रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एनटीपीसी में कई सारे लेवल हैं, कई सारे पोस्ट हैं, और वहां पर लड़का रिजल्ट दे रहा है, और जिसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जाहिर है दोस्तों, ये साफ आपको इंगित कर रहा है कि प्यारे, आप अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो जिस लेवल पर लड़का पहुंच कर रिजल्ट देता है। तो इसका अगर इसमें रिजल्ट नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, वो क्या वजह है, क्या वो रीजन है, वो कारण क्या है जिस जो कि आपको रोक रहा है, जिस वजह से आप उस मुकाम तक, उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप कभी एनालिसिस नहीं किए इन चीजों पर, कभी आप ध्यान नहीं दिए, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। कभी सोचा आपने कि एक ही लड़का जो एनटीपीसी में कई सारे लेवल हैं सब में रिजल्ट दे रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि एनटीपीसी का जो आपका रिजल्ट दिया था सीवीटी वन, जिसमें बहुत सारे हंगामा भी हुए, एक ही लड़का का कई जगह पर रिजल्ट बनाया गया था। तो क्या वजह है कि एक ही लड़का हर एक जगह रिजल्ट दे रहा है? और एक चीज आप लोग नोट कर लेना आज, कि अगर आपने ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन जारी कर दिए, तो अगर आपका रिजल्ट एक जगह पे होगा तो आपका भी रिजल्ट हर जगह पे होगा। पूछो क्यों? इसका वजह यह होता है कि आपको इतना आइडिया लग जाता है कि क्या क्वेश्चन पढ़ा जाता है, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ा जाता है, कितना पढ़ना चाहिए, ये सारे चीज़ों का एक अनुभव हो जाता है। इसीलिए आपका एनटीपीसी में उन लड़का का रिजल्ट एनटीपीसी के हर एक लेवल में हो रहा है, किसी एसआई स्टेट यानी कि स्टेट लेवल एग्जाम में बैठ रहा है उसका वहाँ पर रिजल्ट हो रहा है, आपका एसएससी जीडी अगर देगा तो उसमें भी उसका रिजल्ट होगा, ये मेरा दावा है, और ग्रुप डी में भी उसका रिजल्ट हुआ होगा। अभी देखो, हमको लगता है इतिहास में पहली बार अभी के समय के अनुसार ग्रुप डी का कट ऑफ 60-65-70 तक रुक जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि पिछला ग्रुप डी, इससे जस्ट पीछे वाला जो ग्रुप डी आया था, उसमें कट ऑफ 80 से नीचे तो देखने के लिए मिला ही नहीं, अप्रोक्स 80 था कट ऑफ। लेकिन अब देखो यहां पर 60, 52, 65, 70 इस तरह से कट ऑफ लुढ़क गया। तो वजह क्या है दोस्तों? वजह यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, इसके पिछले जो एग्जाम दिया था, यानी कि आपका जो एसआई यानी बिहार एसआई का भी, बिहार एसआई का ये या किसी भी स्टेट लेवल का जो एग्जाम है, यानी कि जो ग्रुप डी का जो फॉर्म भराया है, ये हो गया करीबन दो साल तीन साल हो गया। इससे पहले बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम या बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए जहां लड़का सेलेक्ट हो चुके हैं, हाँ, और वहां लड़का चले गए, तो वो जो फॉर्म जितना भराया था उतना लड़का बैठा भी नहीं उस पर, इसीलिए कटअप ऐसा रहा। अभी बताओ, अगर आपका प्रिपरेशन, आपका तैयारी अच्छा रहता, ढंग का रहता, तो क्या आप इस रिजल्ट में शामिल नहीं होते हैं? बोलते हैं, हाँ, हम भी इस रिजल्ट में शामिल होते हैं। लेकिन आप लोग का मेन मुद्दा क्या होता है कि यूट्यूब पर कहाँ हमें चटनी मिल रहा है, चटनी का मतलब कौन एएलपी का ड्यूटी दिखा रहा है, कौन ग्रुप डी का ड्यूटी दिखा रहा है, कौन कौन सा ड्यूटी दिखा रहा है, कौन कौन सा, किससे पूछूं मैं, मुझे बता दे कि यही बुक पढ़ने से मेरा रिजल्ट हो जाएगा, कौन हमें बता दे इतना ही पढ़ो आपका रिजल्ट हो जाएगा, कौन हमें बता दे कि कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसा बता दो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, आपके माइंड में यही चलता है, और इसी को लेकर के आप सालों, 6 महीना, साल भर, 2 साल इस तरह आप निकाल देते हैं। प्यारे, आप सच्चाई से अवगत हो,
उन सच्चाई को पहचानो, उन सच्चाई को जानो, उन सच्चाई को समझो। सच में अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, देखो अगर सपना झूठा है तब तो फिर कोई बात नहीं, आपको कोई कितनों कुछ बोल दे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर सच में माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, सच में अपने लिए खुद करना कुछ करना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि आने वाला समय इस तरह ना जाए जैसा कि हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट मिल रहा है, हमें इसमें भी मेरा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला और इसमें भी नहीं मिला था, आने वाले SSC जीडी में हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका रिजल्ट ये बता रहा है, इसमें भी हो सकता है कहीं कहीं खराब परफॉर्मेंस हो। तो दोस्तों इन सारे चीज़ों से बचने का मात्र एक उपाय है दोस्तों, देखो मैं हमेशा आप लोगों को टारगेट कर रहा हूं कि प्यारे उस लाइन में चलो, उस दिशा में चलो जहां से आपकी दशा बदल जाए। जी हाँ, उस दिशा में चलो जहां से आपकी दशा बदल जाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, देखो सिर्फ पढ़ाई करने से अगर रिजल्ट हो जाता तो हमको नहीं लगता है इस धरती पर कोई बेरोजगार होता है। जैसा कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ, हो सकता है आपने पढ़ाई करते होंगे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ 100% कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, हो सकता है आप करते होंगे लेकिन गलत जगह में, गलत डायरेक्शन में, हाँ गलत जगह में, गलत डायरेक्शन में। इसीलिए बोलते हैं कि आप दिन को ध्यान से सुनो, दिन को यानी डे को आप डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो भाई, इसको डिवाइड करो, इसे डिवाइड करो। डिवाइड करने का मतलब दोस्तों, अब देखो कोई भी लड़का अगर पहुंचा है किसी मुकाम पे तो उसके पीछे रीजन होता है। अब 100 लड़का जो काम करता है, इससे एक लड़का ये जो बाहर होता है, इस 100 में से एक का डायरेक्शन, काम करने का दिशा यानी काम करने का जो परफॉर्मेंस रहता है, काम करने का तरीका रहता है, इन 100 से इसका अलग रहता है। यानी कि 99 यानी एक इधर आ गया, पास हो गया, 99 एक पास हो गया और 99 फेल हो गया, यही हो रहा है ना, 99 फेल हो गया। तो एक लड़का 100 में से जो एक लड़का काम किया है वो 99 से अलग है, उसका तरीका ही अलग है। अब पूछो तरीका क्या है, अभी तो कोई 99 का क्या काम है, ये पढ़ने के लिए बैठा, ये पढ़ने के लिए चलो कोई एक सब्जेक्ट बैठा, हिस्ट्री बैठा लेकर के, ये हिस्ट्री में क्या क्या ये भाई साहब ने 99 ने 3 घंटा वेस्ट कर दिया। अब 3 घंटा क्या किया, देखो क्या करेगा, 3 घंटा अगर पढ़ता मन से तो चलो भाई पढ़ लिया, 3 घंटा कैसे वेस्ट होता है कि पढ़ने के लिए बैठा, बीच में मोबाइल खोल दिया, शॉर्ट्स कोई आ गया, कोई फेसबुक पे आ गया, कोई व्हाट्सएप पे आ गया ग्रुप में, हाँ ऐसा है बहुत सारे ग्रुप चलाते हैं, हाँ जहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो देखते रहते हैं आप लोग, बीच बीच में नेट पे बहुत सारे ऐसे चीज़ जहाँ कि आपको कोई मतलब नहीं है, बीच में YouTube खोल लिया वहाँ पर देखने के लिए क्या अच्छा डांस है, क्या कौन सा वीडियो अच्छा है वहाँ देखने के लिए। तो इस तरह से 3 घंटा में उसने 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा उसका बर्बाद हो गया और उसको खुद पता नहीं चला। दूसरा बात सुनो, 3 घंटा में अगर 1 घंटा पढ़ा है, आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़े, पूरी फोकस के साथ पूरे मन लगा के इसको 1 घंटा नहीं दिया, आप पढ़ रहे हैं बीच में फोन आ गया उस पर चले गए, बीच में शॉर्ट्स पे चले गए आप, अब फिर पढ़ रहे हैं फिर उसमें चले गए, फिर पढ़ रहे हैं फिर उसमें चले गए आप। इस तरह से आप जो पढ़ते हैं उसको क्लियर समझ नहीं पाते हैं और जो कि कंफ्यूजन पैदा करता है आपके माइंड में, गलती हो गया। अब देखो ये लड़का जो यहां से निकला है ये क्या करेगा, इसका दिन डिवाइड क्या हुआ है, हाँ दिन को बांटा हुआ है, यानी कि 10 घंटा अगर डेली ये पढ़ता है तो 10 घंटा को बांट दिया है 10 भाग में, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब 1 भाग में एक करंट अफेयर पढ़ लिया 1 घंटा, दूसरा भाग में फिजिक्स पढ़ लिया 1 घंटा, तीसरा भाग में केमिस्ट्री पढ़ लिया 1 घंटा, चौथा भाग में बायोलॉजी पढ़ लिया 1 घंटा, पांचवा भाग में मैथ पढ़ लिया 1 घंटा, छठा भाग में रीजनिंग पढ़ लिया 30 मिनट, हाँ सातवां भाग में आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है वो पढ़ लिया, फिर मिक्स पढ़ लिया, विविध पढ़ लिया, फिर आपका क्या सिलेबस बचा, ज्योग्राफी बचा, ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। ये जो लड़का काम किया इन सारे सब्जेक्ट पर प्रत्येक दिन काम किया, और ये लड़का 3 घंटा एक ही सब्जेक्ट में दे दिया, उसके बाद बोलेगा तो मन उब गया, अब बोरिंग, इस भाई साहब को बोरिंग होने लगा, 99 को बोरिंग होने लगा, हम तो बहुत गुस्सा आता है उन लड़कों पे, कैसे बोलता है पढ़ाई करते करते अब बोर हो गए, अब बोरिंग लगने लगा, चोट्टा है चमिंटा है, समझा ना, गाली आ रहा है मुंह में, हाँ
बोरिंग आता है पढ़ाई करने से। अगर आपने इस तरह से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके माइंड में ये होगा ना, अगर आपने डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनो, अगर आप दिन को डिवाइड करके अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये रहेगा ना कि हम अगर एक घंटा अभी करंट पढ़ लिए हैं तो नेक्स्ट हमको अगला घंटा हमको फिजिक्स पढ़ना है। तो एक घंटा के अंदर आप टारगेट बनाओ कि हमको इतना पढ़ना है, कुछ भी हो जाए तो इतना अगर पढ़ना है तो एक घंटा के अंदर हमको उसको ख़त्म करना है। अगले एक घंटा में अगला सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है, मैं हमको फिजिक्स पढ़ना है, एक घंटा पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में प्रेशर रहेगा। इस बीच में आप मोबाइल को ओपन नहीं करेंगे, इस बीच में आप किसी का फोन रिसीव ना करेंगे, इस बीच में आप शॉर्ट्स वीडियो पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ जाएंगे फिर आपका समय बर्बाद होगा, फिर आपका माइंड में सर दर्द उत्पन्न हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ करना जरूरी है जो आपके माइंड को रिकॉल कराएगा, आपके माइंड पर एक प्रेशर बनाएगा कि अगर अभी हमने एक घंटा करंट पढ़ा है तो अगला घंटा मेरा फिजिक्स है, फिजिक्स को एक घंटा देना है, फिर इसको ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक मेरा केमिस्ट्री है उसको एक घंटा देना है, फिर उसको ख़त्म करके अगला टॉपिक मेरा बायो है उसको एक घंटा देना है, फिर जैसे ख़त्म हो जाएगा मैथ है उसको एक घंटा देना है, फिर दोपहर में थोड़ा खाना पीना होगा, फिर थोड़ा एक घंटा रेस्ट करना जरूरी है, फिर देन हमको पढ़ाई करना जरूरी है। अब बताओ ये लड़का निकलेगा कि ये लड़का निकलेगा, ये जवाब दो। ये एक ने भाई साहब ने इस तरह से काम किया, अपने काम को इस तरह से अंजाम दिया और इस 99 ने वही घसा पीटा। आज हमको 3 घंटा बैठ गए मोबाइल लेकर के और साथ में बुक लेकर के, पढ़ें जो पढ़ें तो ठीक है, ना पढ़ें तो भी ठीक है। और इस भाई साहब को रिजल्ट चाहिए, इस भाई साहब को रिजल्ट चाहिए, वो भी प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एसएससी जीडी का हो, या किसी भी स्टेट लेवल का हो, या फिर आपका एएलपी का हो, आने वाले एएलपी का हो, या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, लेकिन इस भाई को चाहिए रिजल्ट। और जब रिजल्ट नहीं होगा तो होगा यहाँ पर सर दर्द उत्पन्न और फिर बताएगा हम पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा, इतना समय दिया, रिजल्ट नहीं हुआ, गधे हो, रिजल्ट नहीं होगा, लिख लो हमसे, ठीक ना। लेकिन एक चीज़ देखना, इस गधे क्या करेगा जब रिजल्ट नहीं होगा, ये गधा दो दिन रोएगा, तीसरा दिन ये भूल जाएगा। फिर इस गधे का जब रिजल्ट नहीं होगा, मात्र दो दिन रोएगा, तीसरा दिन भूल जाएगा, तीसरा दिन पुनः वो वैसा एकदम रिलैक्स, ऐसे ऐसा लगेगा इसको कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा इसको फील होगा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जिसको ओरिजिनल में दर्द होता है, जिसको नहीं चाहिए होता है कि हमको कुछ करना ही है, वो इस दर्द को भूलेगा नहीं, और वो ये चीज़ देखेगा कि हम गलत कहाँ किया, हमसे क्या चूक हुआ, हमसे मैथ में चूक हो रहा है, फिजिक्स में चूक हो रहा है, केमिस्ट्री में चूक हो रहा है, कि बायो में चूक हो रहा है, कि ज्योग्राफी में चूक हो रहा है, हिस्ट्री में चूक हो रहा है, कहाँ चूक हो रहा है। वो इन चीज़ों को ढूंढेगा। बोलता है ना कि अगर बीमारी का जड़ पता चल जाए तो दवा का अगर यूज करेंगे तभी तो आपका बीमारी ख़त्म होगा। हाँ, पते नहीं चल रहा है, यूज करते जा रहे, कभी ये गोली कभी वो गोली, तो दर्द बीमारी तो जाएगा नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको पता चल जाता है फिर भी वो ठीक करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है अगर ठीक करेंगे तब तो हम फिर सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर हम रोएंगे कैसे, फिर बताएंगे कैसे, देखो हम इतना मेहनत किए, इतना पढ़े, नहीं हुआ। गधे हो, सुधर जाओ, और लाए अभी समय है सुधरने का, और अभी अगर नहीं सुधरे तो ज़िंदगी में नहीं सुधर पाओगे। क्योंकि लड़का को देखो, लड़का को बोलता है 16 साल की उम्र में आप मैट्रिक कर लेते हैं, मैट्रिक तक तो आपका ठीक रहता है, 16 से 18 यानी 2 साल में आप इंटर कर लेते हैं, यहाँ तक भी आप ठीक रहते हैं, कुछ लड़का यहाँ पे बिगड़ जाते हैं, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम जो होता है आप यहाँ तक ठीक रहते हैं, इंटर तक ठीक रहता है, लेकिन इंटर के बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन में आते हैं, यानी कि 19 साल जब आपका उम्र होता है, जैसे ही आप ग्रेजुएशन में घुसते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, पूरी तरह से आप कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, आप ये क्वेश्चन करने लगते हैं कैसे पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा होता है क्या। आप यहाँ पर देखो ना, मैट्रिक में कैसे पढ़ा, इंटर में कैसे पढ़ा, अरे भैया आप जब मैट्रिक पास कर रहे हो, बढ़िया नंबर ला रहे हो, इंटर बढ़िया नंबर ला रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये है भैया कि आप चाहते हैं कि हम ना पढ़ें, कोई शॉर्टकट ऐसा बता दो कि ताकि हम निकल जाए, लेकिन जो ओरिजिनल कैंडिडेट यहाँ पर मेहनत किया है वो यहाँ पर भी उसी लगनशीलता के साथ मेहनत करता है जैसे कि हम, बराई नहीं कर रहे हम अपना, हाँ हम इस यही वजह है कि मेरे ग्रुप का, मेरे बैच का या हमसे ज़्यादा उम्र जो साथ में तैयारी करते थे आज वो वहाँ धरा हुआ है और हम आज यहाँ रखे हुए हैं, वजह यही है। इसीलिए ओरिजिनल स्टूडेंट बनो, मेहनत करो, जो आपने गौर करो, आप नोटिस करो,
मैट्रिक में क्या करते थे आप? ऑल सब्जेक्ट पढ़ते थे, याद है आपको? भूल गए हैं, याद दिलाते हैं हम। मैट्रिक में आप क्या करते थे? ऑल सब्जेक्ट पढ़ते थे। इंटर में क्या करते थे? अपने ऑल सब्जेक्ट पढ़ते थे। भैया जब आप यहाँ पर आ जाते हैं कंपटीशन में आ जाते हैं तो ये दिमाग से क्यों ख्याल निकाल देते हैं? कंपटीशन में आते हैं तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ो ना, देखो ना भैया आपका रिजल्ट कैसे नहीं होता है बता दो आपको, फिर रिजल्ट कौन रोकता है आपका? प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकता है, खुद वर्मा भी नहीं रोक सकता है आपका रिजल्ट। आप यही कम करो ना, कंपटीशन आते हैं मतलब समझ लो हम मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, अब यही कम करो, डेली सब्जेक्ट को पढ़ो, आराम से रिजल्ट होगा, ठीक ना? तो बहुत बोल दिए और उम्मीद करेंगे चीज़ों को आप नोटिस करेंगे और लिख लो डायरी में कि दिन को डिवाइड करना है आप अपने अनुसार, जब आपको अच्छा जो लगे तब पढ़ो। लेकिन एक चीज़ हम जरूर कहेंगे कि करंट अफेयर को मॉर्निंग में पेपर की तरह रीड करो, फर्स्ट में करंट अफेयर को पढ़ लो। सुबह जैसे सो के जगते हैं आपके द्वार पर पेपर बुलाते होंगे, पेपर फेंकते होंगे, पेपर पढ़ते हैं, माइंड में सारा बात रहता है, माइंड शांत रहता है, उस टाइम जो भी पढ़ते हैं आपके माइंड में फिट हो जाता है। उसी तरह आप करंट अफेयर को अगर मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं, पेपर की तरह रीड कर लो, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझना है सिर्फ वो क्या है, करंट अफेयर क्या है, जो डेली आपका जो घटना घटता है वही तो है, उसको पेपर की तरह रीड करो और उसको समझो ना कि रट्टो, रट्टेंगे तो फिर आप बर्बाद है, ठीक ना? तो मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ के बाकी बात जो जब मन करे पढ़ो, आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाओ, लेकिन टाइम टेबल पढ़ने का बनाना नहीं कि ये टाइम उससे निकालने का कि हमको 2 घंटा बचना चाहिए ताकि हम शाम में मूवी देख सकें। टाइम टेबल पढ़ने का बनाना, आपके पास 12 घंटा है तो 12 घंटा उसी में लगना चाहिए, आप ऐसा बनाओ कि 12 घंटा के अंदर में हम सर और सिलेबस को हम देख पाए, समझे प्यारे, तभी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उस कैंडिडेट तक पहुँचा जिसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, जो कहीं कहीं गलती कर रहा है जिसके वजह से किसी भी एग्जाम में उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाना चाहिए, ये आपका दायित्व है, आपका जिम्मेदारी है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।